समय के साथ साथ लगभग सारे लीडिंग ई कॉमर्स स्टोर्स अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी इनहांस करते रहते हैं, जिससे उनके यूज़र को एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले और उनकी सेल्स ग्रो होती रहे। लगभग सारे अच्छे स्टोर्स इस तरह से अपने कैटेगरी सेक्शन को डिस्प्ले करते हैं, जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी है और अटेंशन ग्रैबिंग भी। गाइज, आप अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक आकर्षक तरीके से दिखा सकते हो, जिससे विजिटर को एक बढ़िया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, एज ए रिजल्ट हमारी स्टोर सेल्स इम्प्रूव होती है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं किस तरह से हम अपना जो ये कस्टम कैटेगरी का सेक्शन है इसको अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और गाइस, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, आपने अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पर आपने थीम पे आने के बाद एक्शन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट कोड पे क्लिक करना है। एडिट कोड पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे सेक्शन का फोल्डर नज़र आएगा, इस पर आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड ए न्यू सेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे फाइल नेम पूछेगा, फिर हम यहाँ से इसका फाइल नेम ले लेते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये गाइज हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है गाइज, इसमें अभी खाली है तो ये एरर आपको शो कर रहा है, जो उसमें पहले का कोड है इसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जो हमारा कोड दिया हुआ है इस पर फ्रंट पे क्लिक करके आप डबल क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। तो गाइज हमारी एक फाइल सेव हो चुकी है, उसी तरह से हम सेकेंड फाइल देखेंगे किस तरह से हमारे को बनानी है। मैंने इंस्ट्रक्शन भी गाइज लिखी हुई है, आप इसे को भी पढ़ सकते हैं। सेकंड फाइल के लिए गाइज हमारे को सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड स्टेप है गाइज, हमारे को यहाँ पे एसेट फोल्डर में भी एक इसी नाम से एक फाइल बनानी है, तो यहाँ से मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे एसेट फोल्डर में। ये देखिए गाइज एसेट, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे ऐड ए न्यू एसेट फाइल करेंगे। ठीक है गाइज, क्रिएट ए न्यू ब्लैंक फाइल करेंगे, CSS रहने देंगे इसको, और यहाँ पे फाइल नेम जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, यहाँ से इसको डन कर देंगे। ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है गाइस, और दोबारा वहाँ अपनी डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और सारा कोड ये कॉपी हो जाएगा, तो कंट्रोल सी करेंगे इसको और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारा जो कोड है वो पेस्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ओके गाइस, कोडिंग का हमारा कॉपी पेस्ट जो वर्क था वो यहीं तक था। अब जो इसको फाइल को जरूर से आपने सेव कर देना है, और सेव करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए दोनों फाइलों को, और यहाँ से एग्जिट आ जाइए। एग्जिट आने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको कस्टमाइजेशन का बटन है, इसको क्लिक करना है। इसको हम कन्फिगर करेंगे किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टोर पर। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा डेमो स्टोर है और यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हम उसको जो हमारा सेक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे ऐड ए सेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐड ए सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड ए सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कस्टम कैटेगरी बाय आउटबॉक्स एड्स। तो गाइज ये जो हमने अभी कोड पेस्ट किया है ये वही है, ठीक है, कस्टम कैटेगरी के लिए। तो इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, पोजिशन कर लेता हूँ, आप इसको कहीं भी पोजिशन कर सकते हैं। मैं इसको टॉप पर पोजिशन करूँगा, जैसा कि और जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी हमारे को ये जो सेक्शन है वो टॉप पे नज़र आता है ज़्यादातर, तो हम भी इस पे टॉप पर ही वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम जो हमारे सेक्शन है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐड हमने कर लिया है, तो यहाँ से मैं कुछ इमेज अपने ब्लॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, और इनमें जो देखिए गाइस हमारे पास ब्लॉक्स आ चुके हैं, बट ये क्या है, ये अभी एम्प्टी है। यहाँ से हम इसको फिल करना शुरू करते हैं, तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। गाइस जैसे ये वाला एक इमेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है गाइस, तो ये इमेज आ गई है, और इसका कैटेगरी का जो नेम है वो भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं विमेन दे देता हूँ। और यहाँ पर आप जो लिंक है वो आप अपनी कलेक्शन से भी लिंक कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी लिंक कर सकते हैं, या किसी पेज से, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और क्योंकि हम कलेक्शन सेक्शन बना रहे, तो आप अपने कलेक्शन जो आपने बनाई होगी विमेन से रिलेटेड वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाई भी अलग अलग है, जो अब यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ऑल कलेक्शन कर देते हैं, तो जो हमारी कलेक्शन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो
ऑल कलेक्शन जो हमारी कलेक्शन हमने ऐड करी है उस पर जाके लैंड करेगा। इसी तरह से गाइज मैं बाकी की भी बना देता हूँ और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। कि यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भी कैटेगरी के सेक्शन थे वो कैटेगरी के जो ग्रिड्स थे वो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और इस तरह से आप अपनी जो कैटेगरीज हैं उनको इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। और हमने जो ये कैटेगरी सेक्शन बनाया है ये मोबाइल फर्स्ट है। ओके गाइस, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको नज़र आएगा और यहाँ साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। एक्चुअल जो स्क्रीन होती है उस पर देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है ये। और इससे इसको कैसे आप कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं, पर जनरली जो स्टोर्स होते हैं वो यहाँ पे टॉप पोजीशन करके रखते हैं ताकि कोई भी उनके जो स्टोर पे जब विज़िट करे तो वो उनके की जो कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की वो इजीली उसको नेविगेट कर सके, तो इसलिए हमने इसको टॉप पे रखा है। आप चाहे तो उसके ये डाउन में भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने जो कैटेगरी सेक्शन है उसको यहाँ पर लगा पाएंगे। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी कस्टम कैटेगरी सेक्शन की जो सोर्स कोड फाइल है ये आपको कैसे मिलेगी। इसकी सारी जानकारी जो रहेगी गाइस वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जो भी स्टेप्स रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वो आपको फॉलो करना जरूरी रहेगा। और ये पेड भी हो सकती है जो फाइल है, तो जो भी जानकारी रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, आप अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करवाने के लिए और फेसबुक एड्स एंड सेटअप के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।